नमस्कार, वेब दुनिया समाचार में आपका स्वागत है। सुप्रीम कोर्ट में शशिकला को बड़ा झटका, 4 साल की सजा। उच्चतम न्यायालय ने आय के ज्ञात स्रोत से अधिक संपत्ति रखने के मामले में अन्नाद्रमुक महासचिव वी के शशिकला को मंगलवार को दोषी करार दिया। इसके साथ ही 19 साल पुराने मुकदमे में उन्हें बरी करने वाले कर्नाटक उच्च न्यायालय के फैसले को खारिज कर दिया। इस मामले में दिवंगत मुख्यमंत्री जे जयललिता भी आरोपी थी। इस फैसले से तमिलनाडु के मुख्यमंत्री बनने का सपना देख रही शशिकला को जेल जाना होगा। वे अब 10 साल तक तमिलनाडु की मुख्यमंत्री नहीं बन पाएंगी। उच्चतम न्यायालय ने बेंगलुरु की निचली अदालत के फैसले को पूरी तरह सही करार देते हुए उसे बहाल किया। निचली अदालत ने शशिकला के दो रिश्तेदारों वीएन सुधाकरन और इलावारसी सहित सभी आरोपियों को दोषी करार दिया था। न्यायमूर्ति पीसी घोष और न्यायमूर्ति अमिताव राय वाली दो न्यायाधीशों की पीठ ने शशिकला और उनके दो रिश्तेदारों को बेंगलुरु स्थित निचली अदालत में समर्पण करने तथा 4 वर्ष कारावास की सजा का बचा हुआ हिस्सा पूरा करने का निर्देश दिया। इस फैसले के बाद शशिकला विधायक नहीं बन सकती है और ऐसे में वह मुख्यमंत्री भी नहीं बन सकेंगी। पीठ ने फैसला सुनाते हुए कहा कि ऑन रिकॉर्ड रखे गए दस्तावेजों और साक्ष्यों के आधार पर हम उच्च न्यायालय के फैसले और आदेश को दरकिनार करते हुए सभी आरोपियों को दोषी करार देने वाली निचली अदालत के फैसले को बहाल करते हैं। पीठ ने कहा, चूंकि जयललिता का निधन हो चुका है इसलिए उनके खिलाफ कार्यवाही बंद की जाती है। निचली अदालत ने शशिकला और उनके दो रिश्तेदारों को 4 वर्ष कारावास तथा 10-10 करोड़ रुपए जुर्माने की सजा सुनाई थी। जयललिता को 4 वर्ष कारावास और 100 करोड़ रुपए जुर्माने की सजा सुनाई गई थी। दूसरी ओर अदालत के फैसले से मुख्यमंत्री पद का ख्वाब छीनने के बाद शशिकला ने नया दांव खेलते हुए पूर्व मुख्यमंत्री पनीर सेल्वम को पार्टी से निकाल दिया है। शशिकला खेमे ने ई पलानी स्वामी को विधायक दल का नेता चुन लिया है। बैठक में 100 विधायक मौजूद थे। पलानी स्वामी 3 बार विधायक रहने के साथ ही तमिलनाडु सरकार में मंत्री रह चुके हैं। भाजपा नेता और केंद्रीय मंत्री एम वेंकैया नायडू ने तमिलनाडु में अन्नाद्रमुक की नेता शशिकला को आय के ज्ञात स्रोत से अधिक संपत्ति रखने के मामले में दोषी ठहराए जाने के सुप्रीम कोर्ट के फैसले का यह कहकर स्वागत किया है कि आज के दिन को न्यायपालिका के लिए महान दिन के रूप में देखा जाना चाहिए। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ और प्रमुख हेडलाइंस पर। अरुण जेटली ने कहा, विकास योजनाओं के जरिए जनता का दिल जीतना चाहती है भाजपा। दक्षिण कोरिया की संवाद समिति योन हैप ने कहा, उत्तर कोरिया की मिसाइल की प्रहार क्षमता 2000 किलोमीटर तक। रूस से संबंधों के कारण ट्रंप के सुरक्षा सलाहकार फ्लिन का इस्तीफा। थोक महंगाई दर 2.5 साल के उच्चतम स्तर 5.25% पर। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ भारत की 16 सदस्यीय टीम में कोई बदलाव नहीं। ये थे अब तक के मुख्य समाचार। और ज्यादा जानकारी के लिए लॉगिन कीजिए हमारी वेबसाइट www.webdunia.com। नमस्कार।